उतराणी का तिक लग रही रा उतराणी का तिक लगी रा सरयू का बगड़ माँ। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाविका पाठक ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी लोहरी और उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दगड़ियो, अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अभी शाम हो गई है और ब्लॉग लेट शुरू करने का ये मतलब है कि मतलब अभी से ही हमारे वहाँ त्यौहार स्टार्ट होता है घुघुतिया का, आप लोगों को पता ही हुआ। तो अभी हमारे घर में तो इस बार मतलब घुगती नहीं बनेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी अम्मा एक्सपायर हुई थी, तो इस साल हमारे त्यौहार वगैरह कुछ नहीं मना पाएंगे हम। तो इसीलिए अभी मैं ताई जी लोग के घर जाने वाली हूँ, ताई जी ने वहाँ घुगते बनाए हैं, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था। तो घुगते मैंने कहा था आप जब बनाओगे तो मैं आ जाऊँगी, तो अभी मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो वहीं दिखाती हूँ आपको घुगते। तो ये देखे दगड़ियों, ताई जी यहाँ पर बैठी हुई है घुगते बना के। ये साड़ी में क्या है? अच्छा, ये देखिए दगड़ियों, ये हैं ताई जी के घुगते। ये देखिए, ताई ने मिश्री भी बना रखी है, जलेबी भी बनाई है दगड़ियों। मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ। जलेबी ये जलेबी होती है क्या? क्या होता है ये? अच्छा, तलवार ने बनाई, दो मिश्री भी हैं और ये घुगते भी हैं। अच्छा, दाड़िमा फूल है, ये दाड़िम के फूल हैं और पीछे टीवी चल रही है दगड़ियो, ताई टीवी देख रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बल। ये देखिए, अब कब तलोगे इनको? कब तलोगे? शाम को। अच्छा, तो दगड़ियो, ताई जी के घर से मैं आ चुकी हूँ। मेरे जाने तक तो उन्होंने घुगते बना दिए थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बट मैंने आपको दिखा दिया, जैसे कि थाली में आपने देख लिए होंगे कि ताई जी ने घुगते बनाए थे। और मैंने उनसे पूछा कि कब तलोगे, तो उन्होंने कहा कि शाम को तलेंगे। अब मैं शाम को तो उनके घर जाऊँगी नहीं, क्योंकि फिर मम्मी अकेली रह जाएगी ना, तो कल सुबह ही दिखाऊँगी आपको घुगते। तो मैं एक काम करती हूँ, अभी का और कल का, मकर संक्रांति और घुगते का, दोनों साथ में फिर व्लॉग डालूँगी। तो अब सुबह शूट करेंगे, ठीक है? तो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण, आपको उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हो चुकी है सुबह। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं कल से मतलब कल का व्लॉग आज से फिर अब आगे को कंटिन्यू करूँगी। तो आज है मकर संक्रांति और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने नहा धो लिया है और मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखिए कितने अच्छे सरसों के फूल खिले हुए हैं और कितना बढ़िया मौसम लग रहा है आज। और आज से नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब माघ का महीना लग रहा है। तो शायद ठंड और बढ़ेगी, बट आज तो अच्छी धूप आई है, माघ में ज़्यादा ठंड होती है कुनान। तो दगड़ियों, जिसकी मैंने आपको बताया कि इस बार तो हमारा त्यौहार होगा नहीं, बट मैंने अपनी चाची को बोल दिया है। चाची मतलब मेरी जो सुमन चाची हैं, जिनके बेटे यशु और दक्ष हैं, वो अभी अपने मायके में हैं। तो मैंने उनको बोला है कि बच्चों की वीडियो बना के भेज दें, तो वो भेजेंगी, तो मैं उनकी क्लिप लगा दूँगी, आप उन्हें देखिएगा। और मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ, मम्मी क्या कर रही है बताती हूँ। हेलो दगड़ियों, मकर संक्रांति बहुत बहुत बधाई हो आपको पूरे परिवार सहित। उत्तराणी का तिक लग रही रा, उत्तराणी का तिक लगी रा, सरयू का बगड़ माँ। मैं चेक कर रही थी दगड़ियों, मेरी सरू मिले ओला तुले आया बगनत है मंदिर में झूला, मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली। देखिए दगड़ियों, मम्मी क्या कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की हरकतें। दगड़ियों फोन देख रही हूँ, क्या करूँ, फोन में क्या देख रही है दिखाती हूँ, कपिल शर्मा देख रही है दगड़ियों। मेरी मम्मी दिन रात कपिल शर्मा ही देखते रहती है, कपिल शर्मा की बहुत ही बड़ी फैन है, मतलब मेरी मम्मी कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा की शो मुझे बहुत अच्छी लगती है दगड़ियों। कपिल शर्मा का शो मुझे बहुत अच्छा लगता है दगड़ियों, इसमें हंसी मजाक बहुत, एक से डायलॉग मारता रहता है ये, इसके डायलॉग मुझे अच्छे लगते हैं। कौन कौन कपिल शर्मा के फैन है सब नीचे बताना कॉमेंट में, कॉमेंट में बताऊंगी, यहाँ जो भी हो बताना दगड़ियों। ये देखे दगड़ियों, यहाँ बिल्लू धूप के मजे लेते हुए। बिल्लू बेटू साला कहीं का गंदा बच्चा, ए वाह
बिल्लू का भी हमारा स्वैग अलग ही है। ये देखो दगड़ियो, ये घास को खाता है, ये जो गेहूं बोए ना इनको खाता है, ये तो खैर जो है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये इनकी दवाई होती है दगड़ियो, दांत साओ दांत। देखिए दगड़ियों, ये सरसों का खेत, सरसों के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह वाह वाह, एकदम मतलब मन मोह लेने वाला मौसम हो रखा है आज। ये देखिए क्या बढ़िया लग रहे हैं। आहा, किस किस को अभी अपने घर की, अपने पहाड़ों की याद आ रही है। और ये हमारी गैया। तो दगड़ियों, मेरे तो त्योहार का जुगाड़ हो गया। ये देखिए, ये आगे मेरे लिए घुट्टे पूड़ी और ये है पकौड़ी। ये मेरी ताई जी लेके आई हैं। वो वाली ताई जी नहीं जिसको मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, वो अभी आई नहीं है। वो वाली ताई जी मेरी दूसरी ताई जी भी हैं जो उन्हीं के घर के बगल में रहती है ना, उनकी फ़ोटो लगा दूंगी यहाँ पे मैं। तो जब वो आई तो उस समय मेरे को वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा, मतलब वो आके तुरंत पकड़ा के चले गई। मैंने कहा बैठो, तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं, उनके घर पर भी काम होगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी आपका। मेरी मम्मी की मौसी की लड़की है। हाँ हाँ, मेरी मम्मी की मौसी की लड़की। खुद आ रही है, बोल रही थी मैजर निकाले बल। तो ये है, अब मैं इनको खाती हूँ। हाँ, और दगड़ियों देखिए, गांव बसाने की लुटेरे पहले आ गए। खाना मैंने खोला नहीं, और देखो इसको बैठ गया है, इसको भी भूख लग गई होगी ना दगड़ियों, 11 बजने वाला है। तो आ जाना, तू ही बोल लेना, आ जा यहाँ पे, आ जल्दी आ। अरे ठीक हो रहे है, कह ना रे व्यास। दगड़ियों मम्मी कुछ कहना चाहती है आप लोगों से, बहुत अच्छी बात कह रही है। हाँ, कहाँ जा रही है? अरे इजा इधर आ, इधर इधर काली आ रही है था। अरे इतना वहीं पे खड़ी होके बोलना, ऐसे देख रही हूँ मैं। हाँ दगड़ियों, हमारे गांव में ऐसी रीति रिवाज है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है किसी के घर में, त्योहार नहीं मनाया जाता है किसी कारण से, गांव के परिवार के सब अच्छी रिवाज है, उसके घर में नहीं बनता है तो सब देते हैं उनको भुगुती, और हर त्योहार में भी पूरी उरी पकाते हैं, तो हमारे घर हर किसी के घर भी पहुंचाते हैं। ये रिवाज हमारे गांव की बहुत अच्छी है, गांव की एकता अच्छी है, गांव के लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं, प्रेम व्यवहार वाले हैं, सब परिवार में एक, पूरे गाँव में एकता है हमारे गाँव में। ठीक है दगड़ियों, अब देख लिए सरप्राइज क्या क्या आया इसके लिए, खोल के दिखा रही है। मेरी मौसी की लड़की, इसकी ताईजी लगती है, और मेरी दीदी भी इसके लिए सबसे पहले पकवान लेके आ गई है कल त्योहार का। तो ये देखिए दगड़ियों, ताईजी लाई हैं आलू की, आलू के पकौड़ी, घुकते, ये देखिए ये हैं घुकते, और ये हैं पूड़ी। जहाँ तो दगड़िया, अब मैं खा लेती हूँ। ताईजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों, अभी मैं दुनिया की सबसे अच्छी, क्या कहूँ उसको, मतलब सब दुनिया का सबसे अच्छा आनंद ले रही हूँ। धूप में तेरी गोद में, अभी मैं दुनिया का सबसे अच्छा, ऐसा बोल अभी दगड़ियों, अभी मैं दुनिया का सबसे अच्छा आनंद ले रही हूँ। क्या कहा फिर मैंने? आनंद ले रही हूँ माँ की गोद में, धूप में। इतना अच्छा आनंद आ रहा है, माँ की पैरों में सोई हूँ, माँ की गोद में सोई, आनंद आ रहा है। ले लो, दिसंबर से, ये नवंबर से जनवरी तक आज की जैसी धूप कभी नहीं। अच्छा, आज इतनी अच्छी धूप आई है? अच्छी धूप आई है। अच्छा, सुना दगड़िया, खाना आना खा के बैठे हैं हम अभी, बस घुगुती खा के। इसके लिए बहुत घुगुती आए हैं, दो बार की घुगुती खा। ताई जी, जो मेरी वाली ताई जी है, वो भी लेके आई थी घुगुती, और उस समय भी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। अभी मैंने वो घुगुती भी खाई, और बिल्लू बेटा भी आ गया। कहाँ से आया आज, कैसा मुंह बना के आया, कहाँ मुंह काला करके आया, इधर और इतनी प्यारी धूप लगी है ना, उसमें मम्मी को चैन नहीं है, कुल काम करूँ बल्कि काम हुआ अब। अरे नानी, मेरी मम्मी का भूत कब खत्म नहीं। दगड़ी आप बताओ, क्या आपकी मम्मियों का काम खत्म होता है कभी, मतलब आपकी मम्मी का
मेरी मम्मी का तो कभी काम खत्म नहीं होता, यूं चमास से यस्सी रह गए हो। हाँ, यस्सी सच में चमास में तो चलो खेती वेती का काम होता है और सौज वसौज में, आजकल यूं खाली उनको ना मेरी मम्मी तक कभी ना आए खाली ना खाली उन्हें बहुत ये भी बुद्ध बे की बेको हालांकि खाए बे चुल बे करनी बे नया ना कपड़ा धोने बे गुरबा छन पहन दी ना। रात तो बैठी 2 बजे को तो गड़ी हो, 2 बजने वाला है, मतलब 2 बज गया होगा मेरे ख्याल से, 1:30 बज रहा है यार। और मतलब ऐसले खाल खाली है रहे थर्ड मील सारी आज, मतलब थोड़ा सो जाती हूँ गोद में आनंद से, तो 5 मिनट नहीं हुए हैं। डाउट डाउट आपका उठी ऐसा कर रही है, देखो लो मैं जब बैठने ले पसंद ना रहा तो उड़ते रहे बैठते रहे काम में बिजी। क्या पता यहाँ पर गद्दा लाके लेके थोड़ी देर सो भी जाती है, दूर में सोने का मन भी कर रहा है, गद्दा नहीं है ना चटाई है, चटाई में मेरी गद्दी तो ये बना रखी है मैंने, मम्मी बना रखी है। ये सीमेंट में तो ऐसे भी शरीर में दर्द हो रही है ठंडा, ए बेटू इधर आ, ठंडा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये बेटू ने किस में डाला मुंह, क्या था यहाँ पे पता नहीं क्या, ये देखो दगड़ियो ये देखो तेरी गुगुती गिरी तो खा गया है। ए बुटकी चले गया अंदर अब दूध के खा, अभी इसने भात नहीं खाया पूरा, भात वैसा ही है थाली में खा के आएगा, मैं तो खाया नहीं भात। तो दगड़ियो मम्मी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, गद्दा लेके आ गई। मम्मी बोल रही है थोड़ा सा लेटती हूँ बल, फिर धोऊंगी बल बर्तन कपड़े। और ये देखिए हमारी फैमिली देखो दगड़ियो आजकल जो घर में रहती है। बिल्लू बेटा भी आ गया हमारा। बिल्लू हमारा पक्का है, जहाँ जाते हैं वहाँ जा रहा है आजकल हमारे साथ ही। बीच में कैसे सोया, छोटे बच्चे सोते हैं रात को भी हमारे साथ सो रहा है, पहले से अम्मा के साथ सोता था।